गाइस, काफ़ी टाइम बाद किचन का जो ब्लॉग है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ और काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों को किचन में दिखाई दे रही होंगी। और आज है मेरा एकादशी का व्रत, जो कि मैंने सुबह से साबूदाना नहीं खुलाया था। जैसे कि मेरे जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जैसे कि हमें शाम के टाइम हमारा मन हो रहा है कि हमें व्रत में कचौड़े खाने हैं साबूदाने के, या फिर हमें परांठे खाने हैं, एक्सेट्रा जो भी आप बनाना चाहते हो। और आप लोगों ने नॉर्मली जब भी बनाते होंगे साबूदाने की कुछ भी चीज़ें, तो आप लोग पहले फुलाते हो फिर जाके उसको बनाते हो। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने फुलाया भी नहीं है। आप लोगों के सामने ही मैं पॉलीथीन से निकालूंगी और आप सबके सामने ही मैं बनाऊंगी। किस तरीके से मैं बनाती हूँ वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार हो जाता है ना कि हम नहीं फुला पाते हैं, भूल भी जाते हैं, टाइम नहीं रहता है और फिर शाम को हमें कुछ खाना होता है व्रत वाले दिन। तो इसलिए मैं ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बिना फुलाए साबूदाने को हम कैसे कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं स्टार्टिंग। आप लोगों के इधर लिया है मैंने साबूदाना। साबूदाना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे सिर्फ अपने लिए बनाने हैं तो मैंने थोड़ा सा ही साबूदाना लिया है। और आप देख ही सकते हैं बिल्कुल जिस पॉलीथीन में से मैंने निकाला है ये साबूदाना, उसको मैंने डाल दिया है मिक्सी जार में। और एक बार मैंने इसको पीस लिया है, हल्का दरदरा ये हो गया है। अभी हमें इसको और भी पीसना है। इसमें डाल दी है मैंने हरी मिर्च, क्योंकि हमें कचौड़ी या परांठे बनाने हैं तो उसमें अगर हम काट के डालते हैं तो वो अलग अलग टुकड़े में आ जाती हैं। अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। और आप देख ही सकते हैं ना, तो इसमें हरी मिर्च दिखाई दे रही हैं और साबूदाना भी और भी ज़्यादा बारीक हो गया है, काफ़ी अच्छे से पिस गया है। बस हमें ऐसा ही चाहिए था। इसके बाद मैंने अलग निकाल के रख लिया है, उसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया और व्रत वाला जो नमक है वो। उसके बाद लिए हैं मैंने दो बड़े आलू, सिर्फ मुझे अपने लिए ही बनाने हैं तो मुझे दो ही आलू ऐड करने थे इसमें। तो आप देख ही सकते हैं जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं, जैसे कि कूटू का आटा हो गया, इस तरीके से जैसे हम कचौड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके से हमें ये भी लगा लेना है। और इधर ये देखिए मैंने छोटे छोटे गोले बना करके रख लिए हैं, जिससे कि हमें परांठे टाइप का सेव देना है। इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं। और हमने रख दिया है नॉन स्टिक तवा, आप कोई भी तवा ले सकते हैं, मेरे पास है तो मैं उसी पे बनाऊंगी, क्योंकि उस पर थोड़ा ऑयल कम लगेगा और मैं ऑयल नहीं खाना चाहती हूँ। इधर मैंने घी यूज किया है, अगर आप जिस जो भी खाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। हाथ की सहायता से हमें कोई भी सेव देना है। और अब ये देख ही सकते हैं मैं पहले हाथ से बना करके आप लोगों को दिखाई रही हूँ कि हाथ से भी बना सकते हैं और चकला बेलन से भी आप कोई भी सेव दे सकते हैं। तो मैं हल्के हल्के हाथ से परांठा टाइप का सेव दे दूंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं और जल्दी भी काम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि नवरात्रे होते हैं या कभी कोई व्रत होता है तो हम भूल भी जाते हैं, आलस कर जाते हैं या याद नहीं रहता है, कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, फिर शाम को हमें खाने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का काफ़ी ज़्यादा मन था कि क्यों ना मैं ये वाली वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ में कि साबूदाने को हम बिना फुलाई कैसे भी यूज कर सकते हैं फटाफट से। और मैं आप देख ही सकते हैं मैंने बिल्कुल भी फुलाया नहीं था, क्योंकि मैंने सुना था कि जब तक हम साबूदाने को नहीं फुलाएंगे तब तक कोई भी चीज़ नहीं बन पाती है। आपके सामने ही मैंने वीडियो शेयर की है। और इधर फिर मैं चकला बेलन से आप लोगों को भी सेव दे करके दिखा रही हूँ कि आप चकला बेलन से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ से ही बनाएं, अगर आपको हाथ से नहीं आता है बनाना तो आप चकला बेलन भी यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से इसका सेप बन करके आ जाएगा। आप देख ही सकते हैं इधर मैंने ले लिया है चीला पलटने वाला, जो पलटा होता है वो ले लिया है। उसकी सहायता से हम आराम से इस तवे पे पलट सकते हैं, काफ़ी आसानी से ये पलट जाएगा, ना कुछ चिपकता है ना कुछ होता है, कोई भी टेंशन नहीं है। और होता है ना कि व्रत वाले दिन सुबह से तो हम भूखे रहते हैं, ऊपर से फिर शाम को हम ज़्यादा तला डीप तला हुआ खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने हल्के हल्के घी के साथ में परांठे टाइप में बनाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगे हैं। और इधर मैंने बनाई है हरे धनिया की चटनी, और आप देख ही सकते हैं एकदम से बड़े अच्छे इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बन करके निकले ना, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और बिल्कुल भी इस पर ऑयल नहीं था, बिल्कुल भी घी ज़्यादा नहीं दिख रहा था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं आप लोगों के सामने खा करके भी दिखा देती हूँ कि कैसे बने हैं, टेस्ट करके तो ज़रूर ही दिखाना बनता है, क्योंकि आप सबके साथ जो मैंने रेसिपी शेयर की है तो आप देख ही सकते हैं। मैं खा करके देखती हूँ कि ये टेस्टी बने हैं या नहीं बने हैं। और
काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे जब कोई वीडियो शेयर करती हूँ ना मैं, तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख ही सकते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी है ये वाली रेसिपी। मैंने पहले भी मैं इसी तरीके से यूज करती हूँ लेकिन मैंने वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी। आप लोग देख ही सकते हैं मेरे हाथ पे बिल्कुल भी घी या ऑयल नहीं है। काफ़ी अच्छी लगा। उसके बाद खाने के बाद में आप सबको पता है कि दीदी वगैरह आई हुई हैं, उनके साथ में है उनकी बेटी यानी कि उनकी पोती भी आई हुई है और उसके साथ में काफ़ी हंसी मजाक चल रही थी क्योंकि उसको काफ़ी नाचना वगैरह काफ़ी पसंद है। तो अभी छोटी सी है, जैसे ही हम कोई गाना वगैरह बजाते हैं ना तो उसको नाचने का बहुत ही मन करता है। तो उसके साथ में हंसी मजाक ऐसी मस्ती चली हुई थी क्योंकि दीदी वगैरह जाने वाले हैं आज ही और ये लोग निकल जाएंगे। और आप देख ही सकते हैं कितनी मस्ती के मूड में वो लगी हुई है। और ये अपने घर में पहुंचने के बाद में इसका हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगा था। और इधर आप देख ही सकते हैं पूरे घर में उसने मेथी फैलाई हुई है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। शायद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और जिसने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।